आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हल्का सा बुखार आए तो पैरासीटामोल खा लो, एसिड बने तो पेंटोसिड खा लो, अक्सर हम सभी को यही सलाह देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार पैरासीटामोल, पेंडी, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी ब्रांडेड क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लिस्ट जारी की है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज़ की गोलियां और ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। इसमें सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोसोल और कुछ मल्टी विटामिन और कैल्शियम की गोलियाँ भी हैं। पेट के इन्फेक्शन के लिए दिए जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई है। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किया था लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। इसी साल अगस्त में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी। बैन की गई दवाइयों की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक, स्किन केयर, एंटी एलर्जिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ भी शामिल हैं। धन्यवाद।